नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत इस टीवी नीरज सर। दोस्तों, शुगर केन का रिजल्ट आ चुका फाइनल, आपको पता होगा जिसकी कट ऑफ आई गई है, ठीक है, और AGTA का भी रिजल्ट आ चुका है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका AGTA में एक नंबर से रुका है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका शुगर केन में भी एक या दो नंबर से रुका पड़ा है, ठीक। अब उनके लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का हो चुका है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जो है अपने जॉब के प्रति निष्ठावान रहें, और जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, निराश मत हो, आगे बहुत सारी जो है वैकेंसी खाली है, थोड़ा मेहनत करोगे तो पक्का आपकी जॉब लग जाएगी, पक्का लगेगी। बस जो पीछे छूट गया है उसको आप भूल जाओ, जो पीछे छूट गया है उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो, नए सिरे से बिल्कुल तैयारी करो, नए सिरे से तैयारी करो, जिससे कि इस बार जो गलती पिछले बार हो चुकी है इस बार वो गलती ना हो। इस बार अगर गलती हो गई तो फिर सोच लेना, ये लास्ट मौका है, सोच लेना ये लास्ट मौका है AGTA और शुगर केन की जो वैकेंसी आ रही है, AGTA और जो शुगर केन की वैकेंसी आ रही है, ये लास्ट मौका है, इसके बाद कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। और हाँ, लगभग 4,500 से 5,000 वैकेंसी अभी AGTA की खाली है, 4,500 से 5,000 वैकेंसी AGTA की खाली है, जो दिखा रहा है 1,817 पद, इससे ज्यादा ही AGTA के पद आने की उम्मीद है, ये मैं आपको बता दूं। और शुगर केन के 1,250 पद खाली हैं, लेकिन 874 पदों को दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार आप ये सोच लेना कि जो भी AGTA और शुगर केन के पद आएंगे, बिल्कुल उनके लिए आप परफेक्ट तैयारी करिए, जिससे आपका एग्जाम इस बार निकले और 2021 आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो, आपको नौकरी मिल जाए। लेकिन AGTA और शुगर केन में तभी आप फॉर्म डाल पाएंगे, तभी आप परीक्षा AGTA शुगर केन की दे पाएंगे जब आपका पेट क्वालिफाई होगा, पेट का सिलेबस आ चुका है, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर पेट का आप क्वालिफाई एग्जाम नहीं कर पाएंगे तो आप ये सोच लेंगे कि AGTA और शुगर केन में आप नहीं बैठ सकते हैं, AGTA शुगर केन की परीक्षा आप नहीं दे पाएंगे। तो भैया मैं आपको बता दूं, अगर पेट आपका क्वालिफाई होगा तभी इसमें आप परीक्षा दे सकेंगे, अन्यथा आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा। इतने दिन से जो रास्ता देख रहे हैं कि AGTA में वैकेंसी आएंगी, शुगर केन में वैकेंसी आएंगी, सब धूमिल हो जाएगा अगर आपका पेट पास नहीं किया, ये सोच लो। बहुत सारे बच्चों का जिनका पिछली AGTA शुगर केन में नहीं हो पाया है, उनसे मेरी गुजारिश है, जो पीछे जो छूट गया है उसको बिल्कुल अलग कर दो और नए सिरे से जुट जाओ, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस महीने में आपका पेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अप्रैल जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा और जैसे ही इसका पेपर आएगा, तुरंत वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं, अगला वर्ष चुनावी वर्ष है, इलेक्शन होंगे, इसके पहले अपना वोट बैंक बनाएंगे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये वैकेंसी 100% आएंगी, आप मेहनत कर लो, नहीं तो बाद में पछताओगे, बाद में कुछ नहीं बचेगा, ये सोच लेना, ये तुम्हारी लास्ट तैयारी है एग्रीकल्चर एग्जाम की। इससे आप अगर थोड़ा पीछे हट गए तो समझ लीजिए कि आप इस बार AGTA शुगर केन में पेपर टच करने को नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके पहले भैया पेट रखा गया है, कॉमन, सबके लिए कॉमन है, यही आप जब पास करोगे तभी उसमें बैठोगे। और इसका सिलेबस मैंने डिस्कस किया है, कितने कितने कहां से क्वेश्चन आएंगे, आप देखिए पीछे जा करके, वो वीडियो मैंने बनाया है, उसको देखिए और अमल करिए,
पढ़ना स्टार्ट करिए। एजी के मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, जीएस के मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, हिंदी पूरी पीडीएफ मेरी पड़ी ही है, आप उसको पढ़िए अगर कुछ करना चाहते हो, नहीं तो हमको क्या, हमारा काम बताना है भाई। मार्च में एजी टीए की ज्वाइनिंग हो जाएगी, मार्च में एजी टीए की ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी शुगर केन अप्रैल अप्रैल लास्ट तक जो है, अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में जो है आपकी शुगर केन की ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब देखो, अब मैं आपको बता दूं, मैंने बात की थी थर्ड लिस्ट की एजीटीए की। देखो वैकेंसी खाली रह गई है ये हमें पता है, अब थर्ड लिस्ट आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, ठीक है। ये आयोग निर्धारित करेगा कि उसके उसके मन की बात है, वो जो करेगा अगर चाहेगा तो निकालेगा, अन्यथा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वैकेंसी खाली रह गई ये हमें क्लियर पता है, शुगर केन जो आयोग करेगा उसी के अनुसार हमको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ये जो समय आप अपना कीमती समय जो है बर्बाद कर रहे हो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, उठिए जागिए और पढ़ते रहिए जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो, जब तक कि आपको एक नौकरी ना मिल जाए, और जब नौकरी मिल जाए तब सो लेना, तब गा लेना, तब घूम लेना, तब चाहे जो कुछ कर लेना, हमारे कहने का मतलब ये है। अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और भैया एक लोग और एक संदेश उन लोगों के लिए जो नोट्स मंगवा रहे हैं, उनका नोट्स थोड़ा लेट हो रहा है दो चार दिन से, ठीक है, दो चार दिनों से लेट हो रहा है, इसलिए परेशान ना हो, आपका नोट्स वहां तक पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये मेरा नंबर है 7379823368। जिसको अगर किसी को पेट का नोट्स चाहिए या शुगर केन का चाहिए या एजीटीए का चाहिए या डीएचओ का चाहिए या स्पेशल एजी का चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर अभी नोट्स ये मंगा लेंगे तो आपकी सफलता में बहुत अच्छा काम करेगा। मैं आपको बता दूं, पेट वगैरह एग्ज़ाम जो है आराम से आपका निकल जाएगा अगर ये आप नोट्स मंगा लिए। पेट का एग्ज़ाम तो 100% निकलेगा, ये सोच लीजिए। अब जो नोट्स मैं आपको बता दूं एजीटीए का है, उसी से पेट आपका निकलेगा, श्योर है। तो ये आपका जो है, आप अपने बुद्धि अनुसार काम कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस पर कॉल करिए, अन्यथा आपकी मर्जी, आप अपने आप पढ़ना चाहते हैं अपने आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप भी पास हो सकते हैं, मेहनत करोगे, ठीक, वो तो आपके ऊपर है। अगर अपनी तैयारी को बढ़िया करना चाहते हो, ठीक, तो ये आपके लिए रामबाण है, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।